वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका GLM इंस्टीट्यूट के एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। हार्ड डिस्क में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो हार्ड डिस्क है यानी जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, इसमें सर्वेलेंस हार्ड डिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे अभी देख लीजिए, मेरे हाथ में एट प्रेजेंट में दो हार्ड डिस्क है। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से सर्वेलेंस हार्ड डिस्क कौन सी है और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क कौन सी है, तो आप शायद देखकर इसको एक नज़र में नहीं पहचान जाए। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि एक नज़र में कैसे पहचाने कि कोई हार्ड डिस्क सर्वेलेंस है या फिर डेस्कटॉप है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कनेक्टर्स को देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर लगेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट इनके जो कनेक्टर्स हैं, साटा डेटा कनेक्टर एक जो होता है, साटा पावर जो एक कनेक्टर होता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो वहाँ से तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन जाननी है कि सर्वेलेंस हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क दिखती कैसी है, एग्जैक्टली होती कैसी है। दूसरा, मैं आपको ये बताऊँगा कि जो सर्वेलेंस हार्ड डिस्क है उसमें और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क में मेजर डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को DVR में लगा देते हैं और चल भी जाता है, और वाकई में चलती भी है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट आगे क्या होता है इसमें, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को सर्वेलेंस हार्ड डिस्क में लगा देते हैं या लाइक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लगा सकते हैं, या जानबूझ के या कोई भी वजह से उन लोग लगा देते हैं। एक्चुअली वैसा नहीं करना चाहिए, टेक्निकली चलने को चल जाएगा बट वैसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सर्वेलेंस हार्ड डिस्क को और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आज के डेट में डुप्लीकेट हार्ड डिस्क मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रही है। नकली हार्ड डिस्क, डुप्लीकेट हार्ड डिस्क भी मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रही है। कहीं आपने तो कस्टमर के यहाँ पर डुप्लीकेट हार्ड डिस्क नहीं लगा दी, या फिर आप कस्टमर हो तो क्या कोई CCTV वेंडर आपके यहाँ पे तो डुप्लीकेट हार्ड डिस्क नहीं लगा के गया? हो सकता है उसने लैक ऑफ नॉलेज यानी जानबूझ के ये काम नहीं किया हो, नॉलेज की कमी के कारण किया हो, या फिर उसने जानबूझ के किया, व्हाटसोएवर कोई भी वजह रही होगी। आप कम से कम ये तीन बातें इस वीडियो में सीखेंगे। पहली चीज, सर्वेलेंस और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के बीच में फर्क कैसे पता चलेगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज, जो डुप्लीकेट हार्ड डिस्क है, ओरिजिनल हार्ड डिस्क है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही दोस्तों, मैं एक फ़र्क भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सर्वेलेंस हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क जो है वो कब लगानी चाहिए कब नहीं लगानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो हार्ड डिस्क है इसको आप ध्यान से देखना, इसमें हार्ड डिस्क की कैपेसिटी लिखी हुई है 500 GB, 500 GB यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो कलर कोड है यहाँ पर, ब्लू कलर का यहाँ कोड है, कलर है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी सर्वेलेंस मॉडल का जिक्र नहीं किया गया है, सर्वेलेंस मॉडल का यहाँ पे कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ये हार्ड डिस्क आप देखिए, ये हार्ड डिस्क में इसकी कैपेसिटी के साथ में सर्वेलेंस मॉडल का जिक्र किया गया है। ये देखिए, सर्वेलेंस HDD, Seagate सर्वेलेंस HDD, ठीक है। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, Seagate सर्वेलेंस HDD लिखा हुआ है। तो ये जो बारकोड होता है, ये जो इसका मॉडल नंबर होता है, ये देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सर्वेलेंस हार्ड डिस्क है या डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है। तो सर्वेलेंस हार्ड डिस्क है तो सर्वेलेंस मेंशन्ड होगा, और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है तो डेस्कटॉप मेंशन्ड हो सकता है या फिर कुछ भी मेंशन्ड नहीं हो सकता है, सिर्फ इनकी कलर बैंड दी हुई रहती है। दोस्तों, ये तो हो गई बात ऐसे केसेस में कि जहां पर सर्वेलेंस हार्ड डिस्क लिखा हुआ था। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी अभी लेटेस्ट मॉडल आए हैं नए, जिसमें मेंशन नहीं होता है कि ये सर्वेलेंस हार्ड डिस्क है या डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है। मेरे कहने का मतलब है, अगर लिखा हुआ ही नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, उसके लिए कलर कोड दिया रहता है कंपनी में, कंपनी ने कलर कोड दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप Seagate कंपनी की हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो Sky Hawk ये मॉडल दिया रहता है, Sky Hawk। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ Sky Hawk मॉडल, आप देखिए। ये देखिए, Sky Hawk हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की दिखती है, इसका है हवा हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की दिखती है। ये देखिए, थोड़ा सा लैपटॉप के स्क्रीन पर है तो हो सकता है क्लियर नहीं दिखे, बट आप कोशिश कीजिए देखने की। ये देखिए, ये इसका है हवा का मॉडल है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कोई एक मॉडल। इसका है हवा जो मॉडल है वो सर्वेलेंस के लिए डिज़ाइन किया हुआ मॉडल है। सर्वेलेंस सीरीज में ये वाली हार्ड डिस्क आपको लगानी है, और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क आपको कभी भी यूज़ नहीं करनी है।
कोई भी DVR या NVR सिस्टम में, उसके पीछे दोस्तों रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा दूसरा पॉइंट यही था, पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि सर्वेलेंस हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप हार्ड डिस्क में कैसे डिफरेंस पता करें, तो वो तो मैंने आपको उसके मॉडल से ही बता दिया। दूसरा ये था कि आपको डेस्कटॉप हार्ड डिस्क क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए सर्वेलेंस मशीनों में, यानी DVR NVR में, यानी सर्वेलेंस हार्ड डिस्क अगर यूज़ नहीं करके डेस्कटॉप हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे तो क्या होगा। पहले तो मॉडल देख लीजिए, ये मॉडल है, मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये देखिए, ये जो मॉडल है दोस्तों इसका है हवॉक का, इसमें अप्रॉक्सीमेट 5900 की RPM होती है, 5900 RPM की स्पीड पे ये हार्ड डिस्क घूमती है, सर्वेलेंस मॉडल है, बहुत ही फास्ट हार्ड डिस्क ये मुझे लगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क सर्वेलेंस की होने की वजह से 24x7 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 365 इसके अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया होता है। अगर सरल भाषा में बात करें तो 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन, यानी हमेशा नॉन स्टॉप चलती रहे, उसके अकॉर्डिंगली सर्वेलेंस हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ रहता है। वही अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है, दोस्तों आप जब नया हार्ड डिस्क लगाएंगे डेस्कटॉप सीरीज़ का तो वो चल जाएगा, डेटा भी रिकॉर्ड होगा, बट सर्वेलेंस हार्ड डिस्क का अगर कंपैरिजन में डेस्कटॉप हार्ड डिस्क से करूँ तो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क इन द वीक 480 आवर्स के वर्किंग स्ट्रक्चर के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ रहता है। यानी कि अगर आप उसको 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 365 रेगुलर यूज़ करेंगे तो सडनली वो कभी भी बर्नआउट हो सकती है, क्रैश हो सकती है। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप हार्ड डिस्क यूज़ न करें DVR में या NVR में, सर्वेलेंस हार्ड डिस्क यूज़ करें। हाँ, कुछ वेंडर्स हो सकता है पैसे बचाने के लिए सर्वेलेंस मॉडल यूज़ नहीं करके डेस्कटॉप हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप ऐसा गलत काम मत कीजिए, 200-400 रुपये कस्टमर से आप ज़्यादा ले लीजिए, बट जेन्यून प्रोडक्ट उसको दीजिए। ताकि देखिए सिक्योरिटी मशीन्स है, इन केस अगर कुछ हो जाता है फ्यूचर में तो कस्टमर का भी लॉस है, हो सकता है आप पे भी इलिगेशन आ जाए। सो बेटर है ऑलवेज यूज़ सर्वेलेंस हार्ड डिस्क। एंड थर्ड हमारा पॉइंट था कि कैसे हार्ड डिस्क ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसको वेरीफाई करें। देखिए दोस्तों सर्वेलेंस हार्ड डिस्क ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसको वेरीफाई करने का बहुत ही आसान सरल सा तरीका है। ये हार्ड डिस्क हमारी है सीगेट कंपनी की, सो आप सीगेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए और इसका ये पार्ट नंबर दिया हुआ है और सीरियल नंबर दिया हुआ है, पार्ट नंबर सीरियल नंबर दोनों ही इनके वेबसाइट पे वारंटी चेक इस पेज पर आप एंटर करते हैं तो तुरंत वहां पे पता चल जाएगा ये हार्ड डिस्क ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अगर ओरिजिनल हार्ड डिस्क है तो आपको दिखाएगा कि ये वारंटी इसका बाकी है, यानी कि बैलेंस नंबर ऑफ डेज ऑफ वारंटी, इट विल शो इफ द वारंटी एक्सपायर्ड, सो इट विल शो कि दैट इज द एक्सपायर्ड वारंटी, एक्सपायर्ड वारंटी एक्सपायर हो चुकी है तो एक्सपायर दिखाएगा, अवेलेबल है तो अवेलेबल दिखाएगा, बट प्रोडक्ट नॉट फाउंड ऐसा कभी नहीं दिखाएगा। प्रोडक्ट नॉट फाउंड अगर ऐसा दिखाता है मतलब आपकी हार्ड डिस्क डुप्लीकेट है, इट्स नॉट जेन्यून हार्ड डिस्क, ओरिजिनल हार्ड डिस्क। मार्केट में बहुत सारे इंपोर्ट के भी हार्ड डिस्क मिलते हैं हाफ रेट या उससे भी हाफ रेट में मिल जाते हैं। सो मैं फिर यही कहूँगा सर्वेलेंस हार्ड डिस्क आप इंस्टॉल कीजिए और ओरिजिनल प्रोडक्ट आप इंस्टॉल कीजिए कस्टमर के DVR NVR में। कस्टमर को भी इस, अगर कस्टमर एंड यूज़र मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता चल गया होगा कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट हार्ड डिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, सो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको सही प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप इस प्रोफेशन में आए हैं जो कि CCTV कैमरा, जो कि हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। हाँ, कुछ लोगों ने इसे बदनाम कर दिया, बेकार कर दिया है, गलत तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत मोटी रकम उनसे वसूल रहे हैं या फिर लूट रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी भी देना चाहूँगा और मैं आम जनता को, पब्लिक को यही कहना चाहूँगा, जो लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कोर्स करना चाहते हैं, वो GLM इंस्टीट्यूट में आइए। GLM इंस्टीट्यूट मुंबई, हमारी दो ब्रांच है, भाईकला और भाईंदर, जहाँ पर भी सुविधाजनक कन्वीनियंट हो वहाँ पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन, फायर अलार्म सिस्टम, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, एंटी रॉबरी अलार्म सिस्टम, साथ ही वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम मशीन, सारे कोर्सेज प्रैक्टिकली करवाए जाते हैं। दोस्तों कुछ मॉडल्स मैं आपको बता देता हूँ हार्ड डिस्क में जो कि सर्वेलेंस कैटेगरीज में है। देखिए स्काई हावॉक एक मॉडल है, स्काई हावॉक के बाद में दोस्तों
अगर सीगेट में पुराने मॉडल की बात करें तो SV-35 मॉडल आया करता था, सीगेट SV-35, S4 सन, V4 विक्ट्री, 35 नंबर। SV-35 मॉडल भी ओरिजिनल है, उसको डुप्लीकेट कंसीडर मत कीजिए, इट इज़ ऑल्सो प्रीवियस मॉडल। देखिए दोस्तों, जो WD सीरीज़ में पर्पल कलर का जो मॉडल आया है, पर्पल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो मॉडल भी ओरिजिनल है, बट थोड़ा सा WD सीरीज़ में RPM मुझे कम लगा। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे 5400 RPM शो कर रहा था, वही स्काई अवॉक को उसके कंपेयर किया तो 5900 RPM वहाँ पर शो किया, लगभग 500 RPM वहाँ पर ज़्यादा मिले, यानी कि थोड़ी सी फास्ट स्पीड इसमें मिलती है स्काई अवॉक में। मैं अभी आपको WD का पर्पल मॉडल दिखा देता हूँ, WD पर्पल, ये देखिए WD का जो पर्पल मॉडल है वो भी सर्वेलेंस कैटेगरी का ही मॉडल है। मैं इसको भी आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखिए जो WD सीरीज है पर्पल सीरीज में, सो दिस इज ऑल्सो द जीन्यून आर्टिस्ट फ्रॉम WD, ये देखिए पर्पल मॉडल है। सो ये भी जो है सर्वेलेंस हार्ड डिस्क की है, हो सकता है थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो आपको, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए WD यानी वेस्टर्न डिजिटल WD पर्पल मॉडल, तो ये भी एक मॉडल है। इसके अलावा जो प्रीवियस मॉडल थे WD में वो SV-35 तो इसमें था अपना सीगेट में, और WD में जो आया करता था AV-GP मॉडल आया करता था पहले, सो दैट वाज आल्सो ओरिजिनल मॉडल, अभी भी अगर किसी वेंडर के पास डीलर के पास है आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AV-GP यानी ऑडियो वीडियो, G4 गन, P4 पंजाब, AV-GP मॉडल आप ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो जेन्यून ओरिजिनल फ्रॉम द WD। सो यही है सारे मॉडल्स। इसके अलावा दोस्तों तोशिबा में, सैमसंग में और भी बहुत सारे कंपनीज है जो सर्वेलेंस हार्ड डिस्क बनाते हैं, ठीक है, सो कोई भी आप ले सकते हैं, बट इट शुड बी सर्वेलेंस। दूसरी चीज़ दोस्तों ये होती है कि सर्वेलेंस हार्ड डिस्क को अगर आप डेस्कटॉप में डाल देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इट्स अ वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से काम करेगी, चलेगी, सो इट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू द डेस्कटॉप हार्ड डिस्क। बाकी इसकी अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो 3.5 इंच यानी 3.5 इंच की हार्ड डिस्क आती है ये सारी, 3.5 इंच साटा इंटरनल हार्ड डिस्क। देखिए पहले पाटा आया करता था, पाटा हार्ड डिस्क, अभी जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क चल रही है डेस्कटॉप में कहें या सर्वेलेंस सिस्टम में कहें, वो साटा, SATA, एस फॉर सन, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टॉय एंड ए फॉर अमेरिका, साटा 3.5 इंच की जो हार्ड डिस्क है वो हमारे जो नॉर्मल DVR होते हैं, NVR होते हैं, उसमें चलती है। अगर आप मोबाइल DVR की बात करें, मोबाइल DVR यानी जो स्कूल बस में जो कैमरा लगता है या फिर जो लाइक वैन गाड़ियां होती है, वैन होती है उसमें जो कैमरा लगता है, लॉरी ट्रक बस इसमें जो कैमरा लगता है, उसमें जो DVRs लगते हैं, मोबाइल DVR लगते हैं, छोटे छोटे DVR लगते हैं, ऐसे जो DVR होते हैं व्हीकल DVRs जो होते हैं उसमें 3.5 इंच की हार्ड डिस्क नहीं लगती है, 2.5 इंच की हार्ड डिस्क लगती है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। वो भी साटा में ही आता है बट 2.5 इंच की आती है और ये 3.5 इंच की है। अगर आगे दोस्तों मैं बात करूँ ये साटा में कनेक्टर्स कौन से होते हैं, कनेक्टर्स वही हैं इसमें, साटा पावर कनेक्टर और साटा डेटा कनेक्टर। मैं दोनों कनेक्टर का आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ये देखिए, और साथ ही इनके कनेक्टर्स बता देता हूँ मैं, ये दोनों कनेक्टर्स आपको DVR NVR के साथ में ही मिलेंगे, एक साटा डेटा कनेक्टर है और एक साटा पावर कनेक्टर है, ये देखिए ये हमारा साटा पावर कनेक्टर है, ठीक है, इसमें इस तरह का कलर पार्टीशन होगा, 4 वायर होगी, 4 वायर्स होगी, ये साटा पावर कनेक्टर है, इसको हम नॉर्मली इस तरह से लगाते हैं, ये देखिए अगर उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, सीधा लगाएंगे तो ही लगेगा, और ये हमारा साटा डेटा कनेक्टर है, ये आपने इस तरह से लगाना है, इस तरह से, और इसको आप कंप्यूटर में या फिर अपने DVR NVR में फिक्स कर सकते हैं, निकालते समय अनलॉक करना है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो का आपको लिंक दे रहा हूँ जिसमें कंप्लीट CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव ट्रेनिंग दिया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। बाकी प्रैक्टिकल कोर्स करना है तो इंस्टीट्यूट का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, सारी चीज़ें आप अपने एंड से वेरीफाई कीजिए, गो थ्रू कीजिए, और कोई फिर भी डाउट लगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू सो मच।